कॉस्ट टू कंपनी या सीटीसी, क्या ये एक लीगल कंसेप्ट है? मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, लेबर लॉज में सीटीसी का कहीं जिक्र तक नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि कंपनीज आर फ्री, वो अपने हिसाब से अपनी कंपनी की सीटीसी की डेफिनेशन बना सकती है। सीटीसी से कंपनी ये निकालना चाहती है कि अगर उन्होंने एक एम्प्लॉय को हायर किया है तो साल भर में उस पर क्या क्या एक्सपेंसेस कंपनी करेगी। तो इसमें कंपनी जो उसे सैलरी दे रही है इन हैंड वो तो इंक्लूड होगा ही, उसके अलावा पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, टीडीएस, प्रोफेशनल टैक्स, लेबर वेलफेयर फंड जैसे जितने भी अदर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के एक्सपेंसेस हैं वो भी कंपनी सीटीसी में ऐड कर ही देती है। इसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी को सीटीसी में नहीं डालनी चाहिए, फॉर एग्जांपल कंपनी के बिहाफ पे एम्प्लॉय ने जो एक्सपेंसेस किए उन रीइंबर्समेंट को भी कंपनी सीटीसी में जोड़ सकती है। इनफैक्ट वो चाहे तो जो एसी चल रहा है एम्प्लॉय के ऊपर ये बोलकर कि ये एम्प्लॉय के लिए एसी चल रहा है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सीटीसी में डाल सकती है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अपने ऑफर लेटर में हमेशा ग्रॉस रेट टर्म सर्च करिए और उसके आधार पर ऑफर लेटर एक्सेप्ट करिए, ना कि सीटीसी के आधार पर।